Hello and assalamu alaikum everyone. So today is Arafat day. We also called it Hajj day, and we are fasting right now and we are going towards our restaurant. And I was trying to show you my henna stain, so Mustafa told me, give it to me, I'll show it. So this is my henna, mashallah. This is my beautiful henna. I like it so much, and we are heading towards our restaurant. So we finally reached to our restaurant, and this is CCTV camera footage. As you can see, I'm sitting in an office, and this is Mustafa. I can see him from CCTV camera. So guys, there is still time for iftar, so we thought to shoot a video. मतलब हमारी पिक्चर इतनी क्लियर आ रही है ना कि हम सोच रहे हैं कि यार इतनी खूबसूरत यहाँ पे कोई 3-4-10-12 बना ले, क्योंकि दोबारा कभी इस तरह का वो नहीं मिलता क्योंकि सामने इतनी क्लियर पिक्चर आ रही है. और मतलब अभी यहीं से सही पता चल रहा है कि खर्चा किया हुआ है, महंगा मोबाइल नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा. ये तो मिनी ब्लॉग है. वेट इज ओवर नाउ, सो हियर कम्स आवर इफ्तार डिनर. Alhamdulillah, we have done our iftar. So after that, we went for the shopping in the mall, and it was so overcrowded. जब मैंने इतनी सारी इंग्लिश बोली तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने तो कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोली है, थोड़ा उर्दू में भी आ जाएं. और ये तो हर मर्द का काम है, अपना सारा सामान पर्स में रखवाने के लिए. मेरे पास पर्स नहीं, पूरा बैग होता है जिसमें ये सारा सामान देते हैं. और ये देखें, इतना रश था यहाँ, बिल्कुल जैसे मच्छी बाजार की तरह, बहुत फुल था. और क्योंकि कल ईद है तो इसकी वजह से. और ये हमें फाइनली ड्रेस पसंद आया था, बाकी हमें और कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था. ये एक हमें पसंद आया था तो हमने सोचा कि इसको उतार लें. और ये मुस्तफा मस्ती पे लगे हुए थे तो हमने सोचा कि इसी ड्रेस को उतार के ये वाला फाइनल करते हैं और ये ले लेते हैं. फिर मुस्तफा इसको उतारने की कोशिश कर रहे थे कि ये उतर जाए तो इसको हम उतार लें, लेकिन नहीं हो पाया. फिर मैंने इनको बोला कि जरा पीछे इसका साइज चेक करें कि साइज क्या इसका, मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल है, क्योंकि मुझे स्मॉल वाला चाहिए. तो वो फिर देखने के लिए लग गए, और फिर इनको पता लग गया कि ये स्मॉल है, और फिर ये हमने आखिर उतार ही लिया. और फिर ये देख रहे थे ये लगा के कि ये कैसा हेल दिख रहा है. अच्छा था ये वाला ड्रेस, बहुत ज़बरदस्त था, तो ये मैंने ले लिया. वैसे तो लेने के लिए अब एक ही चीज़ आए थे, मेरा ड्रेस, लेकिन मुझे कुछ और भी चीज़ पसंद आ गई. ये बेड सेट मैंने वैसे भी लेना था और ये अच्छा भी लगा तो मैंने ले लिया ये भी. उसके बाद हमने फ़ैन या कूलर देखना था, कूलर ये देखा पर ये किसी काम का नहीं था. फिर हम लोग देखने किसी चले गए फ़ैन, और फ़ैन हमें पसंद आ गया, हमने ये फ़ैन ले लिया. क्योंकि हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया था भाई, हमें थोड़ा बचत करने के लिए हमने सोचा कि ये फ़ैन ले लें. और हम इन भाई को भी लेकर आइए, भाई हमें वीडियोज़ देखते थे, अपने बाल छाल ये सेट करने लगे. और ये फाइनली हम लोगों ने फ़ैन ले लिया था, और इसकी वारंटी भी तो लेनी थी ना यार, कल को ख़राब हो गया तो फिर कौन क्लेम करेगा. अब हम सामान ले चुके हैं और जा रहे हैं गाड़ी की तरफ. लेने एक चीज़ आए थे और लेके 2-3 चीज़ें बैठ गए, और अब ये गाड़ी में लोडिंग हो रही है सामान की. जी अब बताओ, ये जो इतनी बातें मैंने की और इतनी तेज़ तेज़ की कि मैं इंग्लिश में बोल पाती, घंटा बोल पाती, उनके लिए मैं सबटाइटल ही डालूंगी, इसलिए मैंने अपनी ज़बान में सारा का सारा बोल दिया. जी तो जनाब, सामान की सारी लोडिंग हो चुकी है, और अब हम चल पड़े हैं वापस रेस्टोरेंट की तरफ. उसके बाद फिर वहाँ से हम जाएंगे घर. इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ. ये एक छोटा सा व्लॉग था, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा. एंड यस, ईद मुबारक टू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय.